आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत ही दिलचस्प है। शीशा कैसे रंग बदलता है, वो 8 पुरस्कार चीज़ें जो गूगल के लिए भी मुश्किल थी, लेकिन जवाब हमारे पास मौजूद है। नाज़रीन इकराम, अक्सर औकात हादसाती तौर पर ऐसी पुरस्कार चीज़ें भी दरियाफ्त हो जाती हैं जिनकी हकीकत या मकसद से कोई भी वाकफ़ नहीं होता, और ये चीज़ें कभी हमें या तो अपने नए घर से दरियाफ्त होती हैं या फिर मुख्तलिफ मकामात से। ऐसी ही चंद दिलचस्प लेकिन पुरस्कार चीज़ें मुख्तलिफ लोगों को दरियाफ्त हुई जिनकी हकीकत से बज़ाहिर वो लाइलम थे, लेकिन इन चीज़ों को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, इंटरनेट सार्फीन ने इसका जवाब दे दिया। लेकिन इन चीज़ों के बारे में कोई तफसील गूगल पर भी मौजूद नहीं थी। ये शीशे का एक ऐसा टुकड़ा है जो अपना रंग तब्दील करता है, लेकिन कैसे ये बहुत कम लोग जानते हैं। दर हकीकत डिकोरिक ग्लास फिल्टर है जो फोटोग्राफिक प्रिंटर में रंगों के दुरुस्त इंतखाब के लिए इस्तेमाल होता है, और लकड़ी के दस्ते के साथ मुंसलिक पीतल का ये छोटा सा कंटेनर आखिर किस काम का है। ये कंटेनर दरअसल मौसम सरमा में बिस्तर को गर्म रखने के लिए काम आता था, और यह पुरस्कार वाला डबल ए बैटरी से थोड़ा बड़ा है, लेकिन वज़न में इतना ही है जबकि इसके ऊपरी हिस्से पर नंबर और सुराख दिए हुए हैं। दरअसल ये एक सुइयां रखने वाला केस है और ये नंबर सुइयों के साइज़ की निशानदेही करते हैं। मिशिगन के साइज़ से दरियाफ्त होने वाली इस सब्ज़ रंग के प्लास्टर के टुकड़े की हकीकत क्या है? ये बंजाई डाइविंग जेम है जो कि बच्चों के खिलौने के तौर पर इस्तेमाल होता है। क्या कोई बता सकता है कि ये फर्नीचर का ये टुकड़ा किस मकसद के इस्तेमाल होता है? आइए हम बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ये टेलीफोन स्टैंड है और इसके हैंडल के ज़रिए स्टैंड को पूरे कमरे में हरकत दी जा सकती है। अमेरिका के शहर मिसूरी में दरियाफ्त होने वाला ये अजीबोगरीब स्टैंड किस काम का है? ये दरअसल एक ड्रिंक होल्डर है, और दरियाफ्त होने वाला ये एक ऐसा लकड़ी का खूबसूरत डब्बा जिसमें एक घड़ी भी नस्ब है। ये दरअसल मखसूस चीज़ों को तरतीब से रखने के इस्तेमाल होने वाला कदीम डेस्क है। इसके छोटे खानों में बिजनेस कार्ड जबकि बड़े खानों में लिफाफे रखे जाते थे। कनस्तर के साथ मुंसलिक एक अजीब आयल लैंप, लेकिन किस लिए ये लैंप? दरअसल स्टूडेंट आयल लैंप के तौर पर जाना जाता था, जिसके कनस्तर में तेल का ज़खीरा मौजूद होता था और जिसकी वजह से लैंप बेहतर तवादन के साथ भी रहता था और ये साया कम पैदा होता था। नाज़रीन इकराम, ये छोटी सी मुख्तसर वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।